कोविड-19 की तीसरी लहर की आशंका के चलते मेला लगेगा या नहीं यह पता नहीं है। बावजूद इसके ग्वालियर व्यापार मेले में कई व्यापारी पहुंच चुके हैं। RBS लाइव इंडिया ने ग्राउंड लेवल पर पहुंचकर आज इसकी पड़ताल की और कई व्यापारियों से बातचीत की। व्यापार मेले में जैसा कि आप सभी को पता है कि बहुत सारी चीज़ें बड़ी ऐतिहासिक हैं और उन्हीं ऐतिहासिक चीज़ों में एक दुकान है हरिद्वारी नाम से चाट भंडार की, जो कि ग्वालियर में बहुत फेमस है और दूर दूर से लोग यहाँ पर इनकी दुकान पर आकर के चाट का आनंद लेने आते हैं और हर साल सबसे पहले तय समय पर ये अपनी दुकान आकर के लगा लेते हैं। इस बार भी ये मेले में आ चुके हैं, हालांकि मेला इस समय अभी लगना शुरू हो रहा है। कई जगह पर हम देख रहे हैं झूले सेक्टर में हम गए थे, काफ़ी झूले भी आ गए हैं, कुछ इक्का दुकानें लगना शुरू हुई हैं, पर हरिद्वारी चाट भंडार की दुकान जो है वो अपने तय समय पर लगना शुरू हो गई है। चूँकि पैसा इनका हर साल पहले ही जमा हो जाता है तो प्राधिकरण की तरफ से ऐसा इनको कोई रोक टोक भी नहीं रहती है, लेकिन इस बार जैसा कि आप सभी को पता है कि कोरोना की वजह से मेला लगने या नहीं लगने की स्थिति अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई है। हालांकि ग्वालियर में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने व्यापारियों को आश्वासन दिया है कि हम मेला लगवाएंगे और उन्हीं आश्वासनों के चलते यहां पर ये हरिद्वारी लाल चाट की जो दुकान है वो भी यहां पर लगना शुरू हो गई है। हमारे साथ में जो दुकान के ऑनर हैं हमारे साथ उपस्थित हैं ललित जी। ललित जी, ग्वालियर व्यापार मेले में लगभग कितना समय हो गया आपको दुकान लगाते हैं? 112 वर्ष का आपका और ग्वालियर व्यापार मेले का एक साथ है और ये साथ हम तो चाहेंगे कि लगातार जारी रहे। कि कौन सी पीढ़ी है आपकी? जो तीसरी पीढ़ी है। तो इस बार मेले में, पिछली बार हमने देखा था कि आधे मेले में मेला खत्म हो गया था और मेले के अधिकारियों से हमने जब पूछा था तो उन्होंने कहा था कि हम इसमें जो भी नुकसान व्यापारियों को हुआ है उसकी भरपाई हम अगले मेले में कर देंगे, चाहे वो किराए में छूट को लेकर के हो या दूसरी छूट को लेकर के हो। तो इस बार अब मेला में आप आ गए हैं, महाराज ने आश्वासन दे दिया है, आपको क्या लग रहा है मेला तय समय पर लगेगा? मुझे उम्मीद है पूरी थी है, महाराज ने बोला है कि मेला जरूर लगेगा, उम्मीद है कि 1 तारीख से हो जाएगा मेले का। उम्मीद है कि 1 तारीख से हो जाएगा, 1 तारीख। अच्छा, जैसा कि कोरोना की वजह से ऐसा माना जा रहा है कि शायद मेला लगेगा नहीं लगेगा, बहुत सारे लोगों को भी अनिश्चित है ना, तो अगर नहीं लगा तो इतना बड़ा तामझाम लेकर के आप आते हैं, इतना सारा स्टाफ, इतना सारा सामान, तो फिर से घाटा होगा पिछली बार की तरह? हाँ, वो तो घाटा तो होना ही होता है, तो कोरोना तो किसी के हाथ में है नहीं, कोरोना बीमारी आएगी तो सब कुछ घाटा होगा। तो जो लगता है तो शहर में भी लगता है, मेलों में भी लगता है, सब जगह लगता है जी, और सभी को नुकसान होता है। अच्छा, इक्का दुक्का दुकानें और आ गई हैं मेले में, लगना शुरू हो गई हैं, तो उनको देख करके कुछ मतलब आपको देख करके वो लोग आए हैं या आपको, आप उनको देख करके आए हैं, मतलब कैसा लगे? पहले तो हम ही आए थे, पहले आप ही आए थे, अब 40-50 दुकानदार आ चुके हैं जी, और तो धीरे धीरे उम्मीद जग रही है कि मेला लगे। मेला लगे, कोरोना का भगवान ने चाहिए तो तीसरी लहर नहीं आएगी, तीसरी लहर नहीं आएगी। चलो, हम भी यही चाहेंगे कि तीसरी लहर नहीं आए। ये स्टाफ के साथ साथ क्या आप है ना, जो अनाज जो सामान जो होता है वो भी आप साथ में लेकर के आते हैं? कुछ सामान मेरठ से लेकर आते हैं राशन। अच्छा, इस बार अगर मेला लगता है तो सबसे अच्छी खासियत क्या रहने वाली है आपके यहाँ पर, क्या आइटम रहेगा जो अच्छा रहेगा और जिसकी खासियत रहने वाली है? हमारे तो जैसे वही आइटम है, पूरी सब्जी, दम आलू जी। इस बार हमने मारवाड़ी थाली चालू करी है जी, उसमें तवे की रोटी है जी, और दाल रोटी कड़ी जी, पनीर सब्जी रहती है जी, वो चालू करी है। कई बार आपने अवार्ड भी जीते हैं मेले में, जो प्रतिवर्ष अवार्ड मिलते हैं व्यापारियों को, और अगर मेला इस बार लगता है तो इस बार फिर से हरिद्वारी जो दुकान है वो फिर से अवार्ड जीतेगी? ये तो सब भगवान के हाथ में है हमारे साथ। तो ये थे ललित जी जिन्होंने हमें बताया कि मेला लगेगा और उम्मीद कर रहे हैं कि कोरोना इस बार हम मात दे देंगे और कोरोना नहीं आएगा, कोरोना की तीसरी लहर की जो आशंका हो रही है वो नहीं आ पाएगी और मेला अपने यथावत समय पर लगेगा। हालांकि थोड़ा सा लेट तो अभी हो रहा है, लेकिन ये अपने समय पर आ गए, उनकी दुकान लगना शुरू हो गई है, तो इनकी चाट का जो आनंद लेने आते थे वो तैयार रहे, क्योंकि ये अपनी जगह पर आ चुके हैं तो बस आपको आना बाकी रह गया है। और उसके लिए जल्दी ही, जैसे ही झंडी मेले की उठेगी, तो मेले का आनंद लेने के लिए बहुत सारे सैलानी जो हैं वो उत्सुक हैं, और ग्वालियर ही नहीं, ग्वालियर के आसपास ही नहीं, और बहुत सारे स्टेट के लोग यहाँ पर ग्वालियर मेले का आनंद लेने के लिए आते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी ही मेला लगेगा और इन व्यापारियों को यहाँ से निराश होकर के नहीं जाना पड़ेगा। हर साल जो व्यापारी ग्वालियर मेले में आते हैं और यहाँ से पैसा भी कमा के जाते हैं, नाम भी कमा के जाते हैं और ग्वालियर वालों का दिल भी जीत कर जाते हैं, तो हम चाहेंगे कि ये सभी अपने आनंद को बढ़ाएं और हमारे ग्वालियर व्यापार मेले को ऊंचाइयों पर पहुंचाएं। अपने सहयोगी अजय दुबे के साथ ग्वालियर व्यापार मेले से मैं संजय भारद्वाज।